हाँ जी, अरे आरुष आरुषि आ चुके हैं। नंदो कैसे हो? सुबह सुबह आ चुके हैं राखी बांधने के लिए। नंदो नींद आ रही आपको तो? हेलो दोस्तों, राम राम जी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो सोनिया दीदी रक्षाबंधन के जो स्टिकर लगा रहे हैं, उन्होंने स्टिकर लगाए हैं दरवाजों पर, और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बहनों को, सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। हमारे पापा कहाँ हैं? हमारे पापा यहीं हैं, दिखाइयो। नीचे देख जाओगे? नहीं नहीं। राखी बंधवा लो। तो राखी का टाइम हो चुका है, सिंदूरी रख लो गुड्डू इसमें। और सबसे पहले राखी जो है अंकित को बांध रहे हैं, क्योंकि अंकित को आज ड्यूटी पर जाना है, उसकी ड्यूटी है। तो सबसे पहले सारी बहनें अंकित को राखी बांधेगी, उसके बाद हमारी राखी बांधेगी। आरुषि का नंबर आ चुका है क्या? राखी बांधने का? आरुषि बांधेगी। तो बांधनी आती है, छोटी है अभी, तो मैं बांध रही हूँ। ठीक है बाबा, ठीक है भाई साहब। भैया को मिठाई खा देना। खा ले। अरे तो खाना जी। आरुषि की रक्षाबंधन भी क्या ना? और जैसे हमारा और हमारे परिवार का प्यार है, ऐसे बना रहे भगवान की कृपा से। और आप सब का भी परिवार ऐसे बना रहे, हमारी फैमिली ऐसी बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं भगवान से। और अब दादी बुआ का नंबर आ चुका है, दादी बुआ मान रहे हैं। और आपको देखो अभी आली पियो, पियो भी आली राखी बंधन। हे पियो, खुशी का माहौल है, खुशी का त्यौहार है, लेकिन चेहरे फिर भी मुरझाए हुए हैं सबके ही। और आप सभी को पता है कि हमारे चेहरे क्यों खिल नहीं रहे, क्यों इतने मुरझाए हुए हैं, क्यों मुस्कुराहट नहीं है चेहरों पर। कारण ये है कि हमारी मामी हमारे साथ नहीं आज। ये भी लगा दो, चावल भी लगा दो, भैया का चावल भी लगा दो, लगा रखा लगा। चावल
अमित का बन गई है फटाफट भैया बोलो और मत बोलो अपना हाथ कटती है पता हद कटती है नया कटती है हद कटती लंबी नहीं देती भाई भैया अंकित अपनी ड्यूटी पे जा रहा है तो उसको सब समझा रहे हैं कि आराम से जाना और खाना उसका वहीं पर आ जाएगा क्योंकि खाना अभी तक बन नहीं, मिट्टी सी भी नहीं बनाई है और वो उसने खा लिया है। हेलो हेलो खोल के दूंगा आपको खाले। और दादी बुआ भी आ चुके हैं छोटे वाली, तो मिल लीजिए दादी बुआ से भी। बहुत कमेंट आते थे कि दादी बुआ कब आएगी, तो दादी बुआ आ चुकी है रक्षाबंधन पर सब राखी बांधने के लिए। और लगता है घर भी रह सकती हैं, अभी पक्का कंफर्म नहीं है। और जी हमारे साथ रही तो आपको रोज़ वीडियो में देखने को मिलेगी। और दादा फूफा जी भी आए हुए हैं, फूफा जी के साथ आई है दादी बुआ। बड़े पापा आ गए।
दादी को भी आ चुके हैं और हमें राखी बांध दी है। दोनों दादी को हो चुके हैं देखिए, और बाबा जी भी आए हैं, फूफा जी। बरसात शुरू हो चुकी है राखी पर। और दादी बुआ पूजा को भी राखी बांध रही है, बेटा ही है तो मेरे लिए, तो इसलिए दादी बुआ राखी बांध रही है पूजा को। राखी बांधने के बाद दादी बुआ को और पापा जी को नाश्ता करवा रहे हैं। और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, दादी बुआ आए थे और जब भी बारिश शुरू हो गई थी तो रास्ते में नहीं पड़ी उनको बारिश, बहुत अच्छा रहा, नहीं तो ये भीग जाते। हेलो दोस्तों, तो देखिए ये राखी का पहला भाग था जो घर का था, तो घेर का भाग तो अभी रह रहा है, तो दूसरे ब्लॉग में आप देखेंगे घेर में कैसे रक्षाबंधन बनाई हमने। हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को।